हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जे सुपर कौर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? एक्चुअली मैं चश्मा उतार लेती हूँ। और दोस्तों आज सुबह ये वीडियो है कि अगर आप धूप में ज़्यादा घूमते हैं, कम भी घूमते हैं, अगर आप धूप में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा पसीना आता है। और मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैशटैग जेसुपर कौर फैमिली मेम्बर्स यही बोलते हैं कि धूप में जाने से जेसुपर कौर काले हो जाते हैं, रंग काला लगने लगता है, डल लगता है और पसीने की वजह से जो भी फाउंडेशन मेकअप लगाते हैं वो सारा बह जाता है। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। तो आज का जो वीडियो है वो मेल्स के लिए भी है, तो मतलब वो फाउंडेशन थोड़ा लगाते हैं। तो अगर आप धूप में जाते हैं फेस बिल्कुल डल होने लगता है, मैं आज एक होम रेमेडी, एक DIY आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, विच इज़ वेरी 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 ईजी। पैसे बिल्कुल नहीं पटने, बिल्कुल आपका मतलब घर का नेचुरल चीज़ों से काम हो जाएगा। DIY है, आप इसको, अच्छा मैं वो आगे बताती हूँ। तो इससे क्या होगा, आपके जो पोर्स नज़र आते हैं, पोर्स थोड़े से खुल जाते हैं, इन द सेंस पोर्स थोड़े से विजिबल होने लगते हैं, डार्क स्पॉट्स आते हैं। धूप का जो भी बैड इफेक्ट आपकी स्किन पे होता है, पसीने की वजह से दाने के निशान हैं, इवन अगर पिंपल्स भी होते हैं, तो ये सारी चीज़ें ठीक होंगी। तो ये रेमेडी आपकी स्किन अगर ख़राब है तो उसको ठीक भी करेगी, ट्रीटमेंट भी देगी, साथ में अगर सन से आपको प्रोटेक्शन चाहिए वो भी मिलेगी। और एक बात, और एक मैं आपको बहुत ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ कि जब भी बाहर निकले, तो मैंने अभी इस टाइम पे सनस्क्रीन भर भर के लगा रखा है, तो सनस्क्रीन के वीडियोज़ आपको मेरे मिल जाएंगे। यूट्यूब पर टाइप कीजिएगा JSuper Kaur स्पेस सनस्क्रीन, बहुत सारे मिल जाएंगे। कैसे लगाना है, कब लगाना है, क्यों लगाना है, कितना लगाना चाहिए, SPF कितना होना चाहिए एंड एवरीथिंग, वो मिल जाएगा आपको वहाँ पर। तो सनस्क्रीन आज मेरे हस्बैंड जी ने भी, पवन तुमने लगाया सनस्क्रीन? ज़बरदस्ती लगाया है, तो जो भी सूरज चाचुए हैं हमारे स्किन के साथ डैमेज कर रहे हैं वो थोड़ा सेव होगा। और साथ में जो हम घर जाके इमीडिएटली करेंगे ना, वो तो बिल्कुल बिल्कुल आपकी स्किन को जो है बचा देगा, यंग लगेगी, यूथफुल रहेगी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी। तो चलिए अब घर चलते हैं। बैक टू द प्लेस वेयर आई शूट। अब मैं घर पहुंच गई हूं और सबसे पहले मैं अपने बाल खोलती हूं, बिकॉज बहुत पसीना आया होता है धूप में, तो बालों को भी पसीना आता है, तो बाल खोलने से हवा लगती है, अच्छा लगता है। बाल नहीं तो यार पसीने में ना फिर गंदे होने शुरू हो जाते हैं, फिर आप लोग कहते हैं बालों में तेल आ जाता है। सेकेंड, अब एकदम से यार बड़ी प्यास लग रही थी तो पानी, मैं जूस पीती हूँ। आप जूस या पानी पीते हैं, जो भी, पानी के अलावा आप जूस भी पिए। और यहीं से मुझे एक आइडिया है, ये अनार और मौसम्मी का जूस है, स्वीट लाइम एंड पोमोग्रेनेट जूस, और यहीं से मुझे एक आइडिया आ गया और मैं वॉइस ओवर में बहुत बेकार हूँ। तो चलिए DIY की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मैं बढ़ ही चुकी हूँ। ये फुलर्स अर्थ है दोस्तों, ये ऑप्शनल है, बट अगर आपके पोर्स हैं, विजिबल हैं, तो मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छा काम करती है। और अगर आपकी बहुत ओवर ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन के लिए भी, इसके बाद हम मॉइस्चराइज़र करेंगे, तो सारी स्किन टाइप्स आप यूज़ करेंगे इस रेमेडी को। तो जो भी आपके पोर्स विजिबल हैं और पिंपल्स हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर आपके क्लॉग्ड पोर्स रहेंगे तो पिंपल्स दाने वगैरह होते हैं, ठीक है। अब स्टार इंग्रेडिएंट है, जो मैंने जूस पिया है वही थोड़ा सा मैं बचा कर, ये देख रहे हैं आप, जूस छना हुआ नहीं है, जूस का जो रेशा है, पल्प जो है जूस का, वो मैंने अलग नहीं करवाया, अलग नहीं करती मैं, साथ में पल्प भी पीती हूँ। तो ये पल्प और जूस का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होगा, विटामिन सी से लोडेड है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और यार ताज़ी चीज़ है। आप डायरेक्ट फ्रूट काट के आलस आता है, ऐसे जूस पीते हो तो फटाफट थोड़ा सा जूस बचा लो, 2-4 चम्मच, एंड दैट्स इट, आपका बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, हफ्ते तक का DIY तैयार है। ट्रस्ट मी, आप बाहर की जितनी क्रीमें और जितनी मॉइस्चराइज़र फेस वॉश लेते हो ना, अभी आपको इस वीडियो में आगे पता चलेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। इसमें मैंने 3-4 चम्मच मिलाया और मुझे थोड़ा गाढ़ा लगा, तो मैंने इसमें थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी और डाल ली। इफ़ यू वांट यू कैन ऐड बेसन, यू कैन, चावल वावल का आटा यार ज़रूरत नहीं है, आप मुल्तानी मिट्टी इज़ द बेस्ट, सो क्ले हम ज़रूर यूज़ करें। नेक्स्ट रोज़ वाटर मैं डाल रही हूँ, ये घर का बना हुआ मेरा DIY रोज़ वाटर है, आप YouTube पे टाइप कीजिए JSuper Kaur स्पेस रोज़ वाटर, मिल जाएगा आपको। ये काम आयुर्वेदा जितने बाहर के रोज़ वाटर मिलते हैं उसको फेल करता है, इतना बढ़िया है। और रोज़ वाटर मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि उससे टाइटनिंग होती है, टोनिंग होती है, और आपकी स्किन का जो pH लेवल है वो बैलेंस होता है। वैसे अभी लग रहा है जैसे मैं साइंस टीचर हूँ। एनीवे, अब मुझे थोड़ा सा पतला मिक्सचर लग रहा था, मैंने थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी और ऐड कर ली, एंड दैट्स इट, ये मेरा मिक्सचर तैयार है। अब मैं इसको आइस क्यूब्स में, ओ मतलब आइस ट्रे में जमा दूंगी, एंड इग्नोर यार, आइस ट्रे मेरी टूटी हुई है, सो प्लीज़ डोंट जज मी। एनीवे, ये मैं जब बर्फ़ निकालती हूँ ना, ऐसे ठप 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 करके मारती हूँ। कोई बात नहीं, चलिए आप इसको बर्फ को जमाने रख दीजिए आराम से, इसको 7-10 डेज, इवन 2 वीक्स के लिए आप, ओह गॉड आई एम सो सॉरी, इसको आप अप टू 2 वीक्स भी रख सकते हैं जमा कर, ऑब्वियसली। उसके बाद जो थोड़ा सा कटोरी में बच जाए तो बिल्कुल वेस्टेज नहीं करनी है, जो बच जाए वो आपको हाथ, बाजुओं पे, नेक पे, जहाँ जहाँ पर आपकी एरिया आपका एक्सपोज हुआ है गर्मी में, धूप में, वहाँ वहाँ पर आप लगा लीजिए 2-4 मिनट के लिए, दैट्स इट। जैसे फेस वॉश करते ना वैसे कर लो, ठीक है।
ठीक है, अब हम बर्फ हमारी जो है ये हम जमने रख देंगे। मैंने दो तरह के आइस क्यूब्स बनाए हैं, एक मैंने ये मिक्सचर बना के और एक मैंने सिर्फ एज इट इज जूस, सॉरी यार, एज इट इज जूस को भी मैंने जमा दिया है। अब ये मेरा जो बर्फ है ये तैयार है। मैंने जैसा कि बताया 10 दिन तक आराम से फ्रिज में रख सकते हैं, तो रोज रोज का झंझट नहीं। बस जब भी बाहर जाते हो, घर आओ, चट से ये बर्फ निकाली और कर ली। कई लोगों को बर्फ नहीं सूट करती, उनके लिए मैं आगे बताऊंगी क्या ऑप्शन है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डेमो। एंड मैं पहले, जैसे कभी कभी मैं सिर्फ जूस की लगा लेती हूँ, और प्लीज़ मुझे इतना ठंडा लग रहा है, देखो आपने एक्सप्रेशन देखा, इससे आपकी स्किन बहुत टाइट हो जाएगी, यूथफुल होगी, एक्सेस ऑयल नहीं आएगा। इसके बाद मान लो आपने पार्टी पे जाना है, आपने मेकअप करना है, तो आई एम टेलिंग यू दिस इज़ द बेस्ट 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 हैक। अगर आप मेकअप करने वाले हैं इसके बाद, तो बर्फ इस तरह से मल लेंगे अपने चेहरे पे, तो आपके बिल्कुल ऑयल सिक्रीशन कम होगी, ऑयल कंट्रोल होगा। और जिन लोगों को बर्फ सूट नहीं करती, वो लोग कहते हैं बहुत ओवर सेंसिटिव स्किन है, लाल हो जाती है ओवर, तो आप ये बर्फ का ये जो पानी है, ये ठंडा ठंडा जूस, ठंडा ठंडा जो मिक्सचर बताया, वो पैक की तरह लगा सकते हैं। अब मैं ये लगा रही हूँ जब मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता है। आप फेस वॉश बिल्कुल, मैं बता रही हूँ यार, मेरे आप DIYs यूज़ करने शुरू कर दो, बहुत सारी चीज़ें मार्केट की आप बंद कर दोगे, एंड बहुत अफोर्डेबल चीज़ें जो मैं फिर भी बताऊँगी, जो लेज़ी लोग हैं या जिन लोगों को DIY नहीं बनाना, बट डेफिनेटली ये नेचुरल रेमेडीज़ आर द बेस्ट। तो ये मैं बर्फ़ को अच्छे से अपने फेस पे, ये पूरी एक बर्फ़ को मैं एक बार लगा लेती हूँ जब घर आती हूँ, और दैट्स इट। इससे अच्छा, इससे मेरे 3-4 काम हो रहे हैं, मैं आपको बताऊँ, इससे मेरी टोनिंग भी हो रही है, स्क्रबिंग भी हो रही है, फेस वॉश का भी काम हो रहा है, अलग से स्क्रब नहीं लेना, फेस वॉश, टोनिंग, मॉइस्चराइज़र, जेल से जो हम सिरम लगा, जेल से जो हम मसाज करते हैं, मसाज क्रीम भी हो रही है, ये सारी चीज़ें ऑल इन वन पैक का भी काम कर रहा है। तो दिस इज़ लाइक अमेजिंग, और इतनी आपकी स्किन सॉफ्ट फील करेगी ना यार, मैं आपको बता नहीं सकती कैमरे के इस पार, बट आप प्लीज़ 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 ये एक बार, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ आज, ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा। एनीवे, अब ये लगा दिया है, इसको आप मसाज कर सकते हैं, या 1-2 मिनट के लिए भी आप रखेंगे, 2-3 मिनट, दैट्स इट। जैसे फेस वॉश करते हैं ना यार, 1-2 मिनट तो दोगे ना यार अपने आपको, इससे कम क्या करोगे। एनीवे, मेल्स और फीमेल्स दोनों यूज़ करेंगे। जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि पवन को मैं ज़बरदस्ती सनस्क्रीन लगाती हूँ, तो इसी तरह से मैं एक आइस क्यूब पवन को दे देती हूँ, और दोनों मियाँ बीवी हम कर लेते हैं। ऐसे ही आप लोग भी कीजिए, फैमिली में ज़रूरी नहीं है, भाई बहन से भी करवाइए, को भी करवाइए, मम्मी पापा सब आपस में कीजिए। और ये नेक की डार्कनिंग, काली गर्दन हो रही है, घुटने काले, बाजू काली, जहाँ जहाँ सन से एरिया एक्सपोज्ड है, वहाँ पर आप रोज़ कीजिए, बिन नागा, जब धूप से आओ इमीडिएटली ये चीज़ कर लो, तो धूप का कोई भी साइड इफ़ेक्ट, क्योंकि धूप में ज़्यादा रहने से पिगमेंटेशन, फ्रेकल्स, मेलाज़मा, झाइयाँ, स्किन आपकी एजिंग दिखने लगती है, पिंपल्स आते हैं। तो टीनेजर, मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, 5 साल के, चलो 5 साल ज़्यादा छोटा हो गया, लेकिन अगर आप लाइक 8-10 साल के हो, टीनेजर, छोटी छोटी लड़कियाँ जो मेरे वीडियोज़ देखती हैं, वहाँ वो लड़कियों से लेकर 60-70-80 साल के कर सकते हैं, ग्लो आप देख सकते हैं बिल्कुल 101%, नो कैमरा ट्रिक, नथिंग। एंड ये आप अपने पे ट्राई कीजिए, बिफोर आफ्टर पिक्चर्स भेजिए, ये DIY बनाकर मुझे पिक्चर्स में टैग कीजिए इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम पे ज़रूर मुझे फॉलो करो, JSuper.Kaur, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, सब कुछ कीजिए, वीडियो को दोस्तों शेयर ज़रूर कीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब पे, और हैशटैग मोटिफिकेशन स्क्वाड, वेट लूज करना चाहते हो तो मेरी मुहिम में ज्वाइन कीजिए, नीचे कमेंट्स बहुत सारे कीजिए, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। आई लव यू ऑल सो सो मच, एंड दैट्स इट, बाय, लव यू ऑल।